है भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मौर्य वंश से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न है। ये वीडियो का छठा पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पांच अपलोड हो चुका है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? माप और तौल, प्रशासन प्रबंधन, मार्ग निर्माण, राजस्व प्रबंधन। ये 2020 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मार्ग निर्माण। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, अशोक के ग्यारहवें अभिलेख में ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अशोक के ग्यारहवें अभिलेख में धम्म महामंत्रो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चर्चा की गई है। अब धम्म महामंत्रो का मतलब क्या होता है? बौद्ध धर्म के पुरोहित। धम्म महामंत्र का मतलब है बौद्ध धर्म के पुरोहित। और ये भी याद रखना है कि अशोक के चौदहवें अभिलेख से जनता को धार्मिक जीवन जीने की सलाह दी गई है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकोदक सन्निरोध है मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला एक जुर्माना था। पीने के पानी को गंदा करने पर, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, कूड़ा फेंकने पर, मंदिर को गंदा करने पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि रूमिन देई अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, सबसे छोटा अभिलेख है। अब ये भी याद रखना है कि इलाहाबाद या फिर प्रयागराज या इलाहाबाद के माध्यम से अशोक की पत्नी की जानकारी मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, उज्जैन, तक्षशिला। ये 2005 और 2010 में आया वो प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, तक्षशिला। अब ये भी याद रखना है कि लघु शिलालेख कौन कौन से हैं। लघु शिलालेख ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, लघु शिलालेख। तो आपको याद रखना है कि रूपनाथ अभिलेख ये कहाँ पर है? तो याद रखना है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। और गुर्जरा कहाँ पर स्थित है? तो गुर्जरा अभिलेख जो है ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। और विराट अभिलेख तो ये जयपुर में स्थित है। मास्की ये कहाँ पर स्थित है? तो जो मास्की है ये रायचूर है। मास्की अभिलेख रायचूर कर्नाटक में है। और अरोरा अभिलेख कहाँ पर है? तो यूपी के मिर्जापुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे? धर्म महामात्र, धर्म स्थायी
रज्जुक, कंटक, शोधन, एक व दो, दो व तीन, दो व चार या एक व पांच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो धर्म स्थाई और कंटक शोधन। तो यहाँ पे दूसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि पुष्यमित्र पुष्यमित्र संघ ने अंतिम अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त, याद रखिएगा अंतिम मौर्य शासक कौन थे? बृहदत्त थे, हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली, शुंग वंश की नींव डाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुंग वंश की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इति वृत्तों राजवंश इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? श्रमण, परिवारजक, आग्रहिक, मगध। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? कुषाणों ने, द्रविड़ों ने, मौर्यों ने, आर्यों ने। 1997 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि मौर्य शासन केंद्रीकृत शासन शासन का उदाहरण था, इसको आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है कि संपूर्ण शक्ति राजा में केंद्रित संपूर्ण शक्ति राजा में केंद्रित थी। और कौन कौन से? अब ये भी याद रखना है कि राजा को कानून बनाने का अधिकार, दूसरा है कानून लागू करने का अधिकार, और तीसरा है सजा देने का अधिकार। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? कामसूत्र, शुक्र नीतिसार, मानववर्धम सार, मानव धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र। ये 1996 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, अर्थशास्त्र। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि इस काल में उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था? उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता है? याद रखना है तीर्थ कहा जाता था। उच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। और ये भी याद रखना है कि इस काल में कुल 10 महत्वपूर्ण तीर्थों का उल्लेख हुआ है। 10 महत्वपूर्ण तीर्थों का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? जातक, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य। तो ये 2003 और 2002 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मनुस्मृति। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि मौर्य काल में उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो अभी हमने बताया था मौर्य काल में उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। और इस काल में कुल, पिछले वाला क्वेश्चन में थोड़ा गलत हो गया था, इस काल में कुल 18 महत्वपूर्ण तीर्थों का उल्लेख हुआ है, ना कि 10। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 10 बताया था, तो आपको 10 याद नहीं रखना है, 18 याद रखना है। 18 महत्वपूर्ण तीर्थों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था? क्षत्रियों का, वात व्रात्य क्षत्रियों का, शूद्रों का, वैश्यों का। ये 2014 का क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, भारतीय क्षत्रियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए हैं, पायान, इत्सिंग, हिंसांग, मेगस्थनीस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, तो सबसे पहले जो है वो मेगस्थनीस आया था, फिर उसके बाद पायान आया था, उसके बाद पायान आया था, फिर उसके बाद हिंसांग आया, और उसके बाद इत्सिंग आया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सॉरी बी इज राइट, 31-42। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से इसका नाम चंद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, और ये भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम विजय की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो याद रखना है इसकी जानकारी भी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।